टॉप 20 न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय सिम्बायोसिस सेंटर फॉर स्किल डेवलपमेंट। नमस्कार, स्वागत है आपका एनबीसी न्यूज पर। आज के टॉप 20 में मैं हूँ आपके साथ भाग्यश्री। साल 2024 का पहला सूर्य ग्रहण सोमवार को लगने जा रहा है। पहला सूर्य ग्रहण बहुत महत्वपूर्ण होगा क्योंकि ये एक पूर्ण सूर्य ग्रहण है, ये काफी लंबा माना जा रहा है। पंजाब में वारिस पंजाब दे प्रमुख और खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह को असम की जेल से पंजाब की जेल में स्थानांतरित करने की मांग को लेकर प्रस्तावित मार्च से एक दिन पहले रविवार को उसकी मां को गिरफ्तार कर लिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के दौरे पर रहेंगे। लोकसभा चुनाव के लिए आचार संहिता लगने के बाद यह पीएम मोदी का पहला दौरा होगा। पीएम मोदी बस्तर के छोटे आमाबाल में चुनावी जनसभा को संबोधित करेंगे। इसके बाद महाराष्ट्र पहुंचेंगे, जहां चंद्रपुर में एक चुनावी रैली को संबोधित करेंगे। बीआरएस नेता के कविता की अंतरिम जमानत याचिका पर राउस एवेन्यू कोर्ट आज फैसला सुनाएगा। शराब घोटाला से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में ईडी ने कविता को 15 मार्च को गिरफ्तार किया था। नागपुर के मानकापुर इलाके में एक तेज रफ्तार कंटेनर ने 9 कारों, एक एम्बुलेंस और 2 दोपहिया वाहनों सहित 12 लोगों को टक्कर मार दी। इस हादसे में 4 लोग घायल हुए हैं। हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार और उनकी प्रतिद्वंदी माधवी लता ने असदुद्दीन ओवैसी का मजाक उड़ाया है। ओवैसी के धमकी मिलने के दावे पर माधवी ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि उन्हें ओवैसी कौन धमकी दे सकता है, उनकी दोस्ती तो आईएसआईएस से है। बारामती से एनसीपी की उम्मीदवार सुप्रिया सुले ने कहा कि हम सभी को एक साथ खड़ा होना होगा और उन्हें सभी 48 सीटों पर कड़ी टक्कर देनी होगी। महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर नेताओं के दल बदलने का सिलसिला लगातार जारी है। शरद पवार गुट वाली एनसीपी के नेता एकनाथ खड़से अपनी पुरानी पार्टी बीजेपी में वापसी करने जा रहे हैं। नागपुर में महिला का अश्लील वीडियो और फोटो बनाकर ठगी का सनसनीखेज मामला सामने आया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी श्याम सुपातकर के खिलाफ रेप, फिरौती समेत अन्य धाराओं में रविवार को मामला दर्ज किया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि विपक्षी महाविकास आघाड़ी के पास विकास का कोई एजेंडा या इरादा नहीं है। उन्होंने आदित्य ठाकरे के बयान पर भी प्रतिक्रिया दी है। महाराष्ट्र में दूसरे चरण में 8 सीटों पर चुनाव है, जहां पर 352 प्रत्याशियों ने नामांकन दाखिल किया था। इनमें से 50 से ज्यादा प्रत्याशियों का नामांकन अवैध पाया गया है। शिवसेना नेता संजय सिरसाट ने बताया कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के बंगले पर कोर कमेटी की बैठक में विवादित सीटों को लेकर चर्चा की गई। ईडी सीबीआई के भय से जो थरथराए, वे सीधे बीजेपी में चले गए। बीजेपी की राजनीति ने इस देश को कायरो और डरपोक को बना दिया है। ये बातें शिवसेना यूबीटी के मुखपत्र सामना के संपादकीय में सत्तारूढ़ बीजेपी पर निशाना साधते हुए लिखी गई है। महाराष्ट्र कांग्रेस चीफ नाना पटोले ने डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि प्रतिशोध की राजनीति और छल से विपक्ष को खत्म करने का काम किया है। लोकसभा चुनाव नजदीक आते ही जनता भी अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतर आई है। पुणे के शिवाजी नगर के खैरवाड़ी इलाके में लोगों ने पानी को लेकर विरोध प्रदर्शन किया। महाराष्ट्र के पुणे शहर का एक युवक अमेरिका की एक कंपनी में काम करते हुए लापता हो गया। युवक का नाम प्रणव गोपाल कराड़ है। हाल ही में उसका चयन अमेरिका की विलेवंस शेप मैनेजमेंट कंपनी में हुआ था। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने उद्धव ठाकरे पर तंज कसते हुए कहा कि वह डॉक्टर तो नहीं है, लेकिन 1.5 साल पहले उन्होंने बड़ा ऑपरेशन किया था और कुछ लोगों की कमर और गर्दन के पट्टे हटा दिए। विजय और मृणाल की फिल्म फैमिली स्टार की वीकेंड पर परफॉर्मेंस काफी खराब रही है। फिल्म की कमाई में बढ़ोतरी होने की बजाय गिरावट आई है। बॉलीवुड एक्ट्रेस कंगना रनौत अक्सर ही किसी न किसी वजह से लाइमलाइट में बनी रहती हैं। अब उन्होंने खुद को एक गिफ्ट दिया है, जिसको लेकर वो चर्चा में आ गई हैं। उन्होंने एक नई लग्जरियस कार खरीदी है। नई गाड़ी के साथ कंगना का एक वीडियो भी सामने आया है। डायरेक्टर एस शंकर साउथ सुपरस्टार रामचरण और कियारा आडवाणी के साथ बड़े पैमाने पर गेम चेंजर बना रहे हैं। लंबे समय से फिल्म को लेकर बज बना हुआ है। सोशल मीडिया पर इसके रिलीज को लेकर चर्चा होती रहती है। अब रिलीज डेट को लेकर ही चर्चा शुरू हो गई है। ये थी आज की टॉप 20 खबरें। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। आप देखते रहिए एनबीसी न्यूज। नमस्कार।